पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में घर वापसी करने को लेकर अपनी तैयारी और रणनीति खुलकर कैमरे पर बयां कर दी है। गोहाना में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीरेंद्र सिंह ने बताया कि मैंने कांग्रेस में घर वापसी का फैसला ले लिया है, अब तारीख और जगह कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि मैं चाहता हूं कि घर वापसी हरियाणा में बड़ी रैली के जरिए करूं, जिसमें लाखों की संख्या में मेरे साथी भी कांग्रेस में शामिल हों। लेकिन ये ज्वाइनिंग दिल्ली में भी हो सकती है, मगर वहां सिर्फ 2 से 3 हजार लोग ही पहुँच पाएंगे। मैंने तो कांग्रेस में जाने का 10 दिन पहले कह दिया था, वो डेट देंगे। आते दो हैं, अगर 2-3 लाख आदमी उनसे ज्वाइन करवाना है तो हमारे हरियाणा में आके रैली कर मैं करूंगा वहां, और हमारे 1000-2000 साथियों से करवाना है तो फिर दिल्ली में भी कर सकते हैं। ये कंडीशन आपकी है और क्या आपकी है? कंडीशन नहीं है, ये मेरे ऑप्शन है। ये मैंने उनको ये कहा कि आप अगर बड़े स्तर पे एक रैली के रूप में हमारे साथियों से जुड़ाने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते तो, और नहीं तो आप दिल्ली में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो कम से कम 17,000 हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने उस दिन हमारे साथ ज्वाइन किया था। अब मैं अकेला जाके या 10-20 लोगों को साथ लेके जाके कहूँ कि मैं आ गया, मैं ज्वाइन करो, तो जो साथी हैं वो तो ये कहेंगे भाई हमारे को छोड़ दिया। तो इसलिए सब हम इकट्ठा होके दिल्ली में, उसका साइज छोटा होगा, 1000-2000 हो सकता है क्योंकि दिल्ली में, बाकी बाहर अगर हरियाणा में करेंगे तो 2 लाख की हाजिरी में हमारी कांग्रेस में वापसी होगी। कब कोई समय रखा गया तारीख? मैंने बताया ना, मैंने 10 दिन पहले ये दोनों बातें कही हैं। अब कांग्रेस हाईकमांड को ये फैसला करना है, नंबर एक कि वो दिल्ली में कराएंगे या हरियाणा में, नंबर दो जो आप करें तारीख वो भी वो ही निश्चित करेंगे। बाकी ये बात जरूर है कि अभी हरियाणा का चुनाव बहुत 2 महीने हैं, तो इसलिए शायद वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का टिकटों का निर्णय जल्दी हो जाए तब ये करें जो भी करना है। बता दें कि जजपा से गठबंधन को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह का भाजपा से मोह भंग हुआ, जिसको लेकर सबसे पहले बीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थमा, और अब बीरेंद्र सिंह भी बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बीरेंद्र सिंह की इच्छा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में हरियाणा के अंदर एक रैली का आयोजन किया जाए और इस रैली में बीरेंद्र सिंह व उनके लाखों साथी कांग्रेस में शामिल हों। हालांकि 40 सालों तक कांग्रेस में रहकर राजनीति करने वाले बीरेंद्र सिंह की घर वापसी को लेकर अभी तक ना तो तारीख और ना ही जगह का फैसला हुआ है। ऐसे में बीरेंद्र सिंह कब और कहां कांग्रेस का हाथ थामेंगे, इस पर हरियाणा भर की निगाहें टिकी हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।